धरियावद में अपराध, नकबजनी, लूट और दुष्कर्म की वारदात के बीच धरियावद थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने गैंगरेप और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये बदमाश नगर के SR पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर इनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपियों के मोबाइल फ़ोन में गैंगरेप और दुष्कर्म की वीडियो देखकर पुलिस हैरान रह गई। कड़ी पूछताछ पर आरोपियों ने गैंगरेप तथा दुष्कर्म की वारदात को स्वीकार किया। प्रतापगढ़ जिला पुलिस कप्तान अमृत दुहान ने मीडिया को बताया कि ये 5 अपराधी सुनसान जगहों पर घात लगाकर राह चलती महिलाओं के साथ दुष्कर्म व गैंगरेप जैसी घटनाओं में अपराध को अंजाम देने के साथ ही शातिर बदमाश पीड़ित महिलाओं का वीडियो भी बनाते थे। वहीं पीड़िताओं को धमकी देते अगर उसने ये बात किसी को बताई तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। शातिर अपराधियों के मोबाइल से दुष्कर्म के कई वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों से और कई बड़े खुलासे करने का दावा कर रही है। साथ ही इस तरह की घटनाओं की शिकार हुई युवती और महिलाओं की तलाश भी की जा रही है। सारी चीजों के गैंग यही है, इन्होंने नकबजनी, लूट, चेन स्कैनिंग और उससे भी बड़ा घिनौना हरकत जिस ढंग से किया। तो क्या ये चरस हमारे पास 16 तारीख की शाम को, रात को हमारे पास कंप्लेंट आई थी जिसको तुरंत दर्ज कर दिया गया और उसी की कार्रवाई। हमारे पास सूचना ये नहीं थी कहीं पर, किंतु जैसे ही सूचना आई हमने तुरंत उस पर अपनी टीम से रवाना कर दी। उसी का ही है अंदेशा और समाज का इसमें मैं कहूंगी कंट्रीब्यूशन है, जिसने हमें ये आसूचना दी कि कुछ लड़के वहां पर भी बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपके समाज के ही मदद से, आप ही हमारी आंखें हैं, आप ही हमारे कान हैं, आपकी मदद से हम इस जघन्य अपराध के आरोपियों तक हम पहुंच पाए। वो कोई और वारदात को अंजाम देते उससे पहले हमने उनको गिरफ्तार कर लिया समय। मैडम और भी कुछ बड़ी वारदात खुलासा होने के अंदर साहब प्लीज। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा उनसे पूछताछ होगी तो वैसे वैसे कई जो नए तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से फिर अनुसंधान भी आगे जाएगा और खुलासे जैसे जैसे अगर होंगे कोई नई आई की बात तो आपके साथ जरूर साझा की जाएगी। जो भी हमारे पास कंप्लेन लेकर आएगा और अनुसंधान के दौरान उसकी FIR जो कंप्लेन लेकर आई है उन तथ्यों की पुष्टि होती है अनुसंधान के दौरान तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। ये लोग लंबे समय से ये लोग वारदात कर रहे हैं। ये भी जो बच्ची है इसको भी हिम्मत जुटानी पड़ी कि उस वारदात, इसमें सदमे में भी तो बहुत होते हैं बच्चियां महिलाएं जिनके साथ ही होता है, किंतु अगर उनके पास कोई वैलिड रीजन है कि उनकी इतनी लेट रिपोर्ट लिखवाने की क्या उनका रीजन रहा है, कारण क्या रहा है और उन्होंने जो रिपोर्ट लिखवाई है उसकी पुष्टि होती है अनुसंधान के द्वारा, तो उसमें हम कोई पुलिस के द्वारा कोई कमी नहीं रहेगी और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। इसमें मैं आपको देखेगा, हाँ सॉरी, हमारे जो टीम है ना, जो धरियावाद पुलिस की टीम, हमारे एडिशनल SP साहब का सुपरविजन, CO धरियावाद व SHO धरियावाद की जो टीम ने, कमलचंद मीना जी की टीम